नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज और आप सभी को आज एक ऐसी जगह लेकर के आए हैं। तालाटाड़ गांव में जो मस्जिद है उस मस्जिद में आए हैं और रमजानुल मुबारक का जो महीना चल रहा है इसके बारे में जानने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए कि इस महीने में जो रोज़ा रखा जाता है क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, इसका मायने क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब जानने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। जो हमारे सामने अभी यहाँ मस्जिद के इमाम साहब बैठे हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और साथ में हाफिज साहब जो बैठे हैं वो हाफिज़े कुरान हैं, जो हिफ्ज़ कर कर के कुरान को हिफ्ज़ किए हैं और एक तरह से कहा जाए कि बिना देखे उस कुरान को पढ़ना है और पढ़ते हैं, तो हाफिज साहब भी सामने बैठे हुए हैं और गांव के जो एक बुजुर्ग आदमी हैं वो भी आए हैं, उन भी बैठे हुए हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ के जो इमाम हैं इनका परिचय ले जानते हैं, उसके बाद ये रमजानुल मुबारक का महीने का जो महत्व है, क्या इस महीने में रखा गया है, क्या क्यों इस महीने में रोज़ा रखा जाता है, उसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले कारी साहब आप अपना परिचय ले, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जो है कारी समीउल्ला, सीतामढ़ी बिहार से है और मैं आपका और आपके चैनल के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम देशवासियों का अपने रमज़ान की ढेर सारी मुबारक। तो अब ये जो रमज़ान महीना चल रहा है, रोज़ा चालू हो चुका है और 2024 का, तो ये रोज़ा जो चल रहा है इसके बारे में आपसे जानना है हमारे दर्शकों को, जो आप तक आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये रमज़ान महीना है रोज़ा, इसका विस्तार से आप थोड़ा सा जानकारी दे बताएं कि इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, क्या इसका वैल्यू है, महत्व है। देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये बहुत ही बाबरकत महीना, बड़ा मुबारक महीना इस्लाम में कहा जाता है और इस मुबारक महीने की किताबों में लिखा है और हर धर्म के लोग जानते हैं कि रमज़ान कितना मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 2-3 महीना पहले से ही इस महीने की तैयारी करते थे। और रमज़ान यानी है क्या, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि अल्लाहुम बल्लिगना रमज़ान, के अल्लाहुम रजब शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि शाबान मेरा महीना है, ऐ अल्लाह हमें शाबान से रमज़ान तक पहुंचा, दुआ करते थे। इसलिए कि ये मुबारक महीना यही है कि इसमें मगफिरत हो, इंसान की मगफिरत, के पूरी ज़िंदगी हम गुनाह करते हैं। हर धर्म में जो है ना एक महीना या एक न एक त्यौहार जो है बहुत मुबारक आता है, आज उसी मुबारक में जो है ना लोग समझते हैं कि इसमें जितना हो सके अच्छाई काम हो, आमाल वाला काम हो, भलाई काम हो और जो ऊपर वालों ने नवाजा है, दिया है, माल हो, जो भी हो उसको दान करना, उसको बांटना, लोगों गरीब गुरबा में देना, ताकि जो है जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक को अच्छे से गुजारे और जो सामने हमारे पास जो ईद का त्यौहार जो आ रहा है, जो हर धर्म में त्यौहार एक बहुत महान रखता है अपना अपना त्यौहार, इसी तरह मुसलमान में सबसे बड़ा त्यौहार जो है ईद कहा जाता है। तो ईद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान का जो है ना महीना गुजारने पे और इस महीने को जो हम इखलास के साथ और अच्छे से जो है इबादत के साथ गुजार देंगे तो हमारे लिए ईद जो है या सभी मुसलमान भाइयों के लिए ईद जो है ना एक मोहब्बत का पैगाम देता है कि उसमें भाईचारगी कैसे हो, एक दूसरे से कैसे मिले। और रमज़ान जो है ना उसके माने ही जला देना, यानी कि जलाने से मतलब ये कि गुनाहों से अल्लाह ताला गुनाहों को जला देते हैं, दम अच्छा। गुनाह को ख़त्म कर देते हैं। ये तो रमज़ान का मतलब आप बता दीजिए और ईद तक भी पहुंच गए कि ईद का ये महत्व है कि रमज़ान का बाद ईद आता है। अब इसमें जो है रोज़ा जी, इस रोज़े का क्या महत्व है,
इस रोजा को जो दिन भर का जो उपवास होता है उसको सहते हैं, तो उसका क्या इस जगह पर है? देखिए रोज़ा जो है ये क्या है, रोज़ा जो है अल्लाह ताला ने हम जैसे ईमान वाले मुसलमान भाइयों पे इस्लाम में अल्लाह ने रमज़ान को फ़र्ज़ किया। पहले जो है रोज़ा नहीं था, दो रोज़ा लोग रखा करते थे पहले, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आए दुनिया के अंदर और अल्लाह के नबी के बाद जो है ना अल्लाह ताला ने मेरे नबी को एक महीना रोज़ा जो है फ़र्ज़ कर दिए कि ये रोज़ा जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है। और देखिए हर किसी न किसी धर्म में है, उन लोग में भी उपास रहते हैं, रोज़ा रखते हैं। क्यों उपास इसलिए रहते हैं, रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह ताला को जो है ये जो इंसान की रोज़ा रखने की जो बू निकलती है मुँह से वो अल्लाह को बहुत पसंद आता है और इसके बदले बहुत सारे अजर व इनाम से नवाजते हैं अल्लाह ताला। और ये रमज़ान का रोज़ा जो है ना हर इंसान पे, मुसलमानों पे फ़र्ज़ है रखना। अगर किसी तरह का मन के परेशानी है, दिक्कत है कि नहीं रख सकते हैं, उसके लिए माफ़ है। बाकी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके लिए रोज़ा माफ़ नहीं है, बल्कि रोज़ा रखना ही है। उन्हीं लोग के लिए माफ़ है जो बीमार है, लाचार है। तो रमज़ान का रोज़ा जो है इस्लाम में फ़र्ज़ है एक महीना। अब जाहिर सी बात है कि साल का अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं और 11 महीने हम ढेर सारा कुछ माशाल्लाह खाते पीते, और ऊपर वाले का दुआ होता है कि जो है इस महीने में और खाने को मिलता है, ये सारे साथी जानते हैं। और माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ है कि अफ्तार का दावत में जो है ना हम अपने भाइयों को भी बुलाते हैं, जो हमारे भाई गैर भाई है, मुस्लिम है, चाहे वो सिख हो ईसाई हो, तो हम लोग जैसे मोहब्बत है, ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी को सभी से मोहब्बत है, तो वो भी हमारे त्यौहार पे उस वो हमको बुलाते हैं और हम भी अपने अफ्तार पार्टी पे जो है हम अपने दोस्तों में हमको बुलाते हैं कि आप आएँ, और बड़े खुशी दिल से जो है एहतराम भी करते हैं, अपने सरों पे जो है ना रुमाल भी लगा लेते हैं कि नहीं क्या है कि एक मजहब का ये बहुत मुबारक दिन है, इस मुबारक दिन की कदर करना है, एक रोज़ेदार की बहुत अहमियत देते हैं। तो ये रोज़ा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह से कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है तो इसको रोज़ा रखें। और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान में कुरान शरीफ नाजिल हुआ, तो इसी कुरान शरीफ के नाजिल होने से अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों सैकड़ों हाफिज़ कुरान जो है हिफ्ज़ करते कुरान पाक को सुनाते हैं। और साइंस जो है बताती है दुनिया की तरक्की कि भाई कोई ऐसा ये नहीं है कि इंसान 30 पारे को या 30 किताबों को अपने जहन में महफूज कर ले, मगर एक ईमान वाला एक मुसलमान भाई अपने कुरान को किस तरह अपने सीने में महफूज करता है, अपने सीने में कैसे बैठा लेता है और उसको पूरे रमज़ान में सुनाना है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये हो गया, तो हाफिज़ साहब जो हैं उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। और बात रहा कि जैसे ये रमज़ान महीना में सिर्फ रोज़ा रखना ही कि और उसके अंदर और कुछ ऐसी और चीज़ है जिसे करना जरूरी होता है, तो क्या है उस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए रमज़ान जो है ना इसमें गरीब गुरबा यतीम मिस्कीन को खोजी करनी चाहिए, उसकी मदद करना है, समझ गए ना। उस देखिए जो चीज़ हम अपने इस्लाम में कहा जाता है, चाहे यही नहीं है कि मुसलमानों का ही ख्याल रखें, नहीं, हमारे इस देश में चाहे हमारे इस्लाम में ये नहीं कहा है कि सिर्फ अपनी जाति और अपने ही मुसलमानों का ख्याल रखना ही, बल्कि हम सभी को जो है ना ख्याल रखना है कि हम जो है ना जिस तरह अच्छा खा रहे पी रहे उसी तरह मेरा दूसरा भाई कैसे खाए या दूसरे भाई को कैसे मैं समझा। और इसमें जो है ना इंसान जो कुछ किया है, जैसे गुनाह किए हैं या अपने दिल में जो भी चीज़ हो, इस महीने में जो है ना सबको निकाल देनी चाहिए जी, सबको निकाल देनी चाहिए, और ताकि अपने अगले और पिछले तक, इसलिए ना कहा कि रमज़ान जो है ना हमेशा अगले और पिछले को लेंगे कि या अल्लाह जो हो सका वो हमें माफ़ कर दे, ये माफ़ी का महीना ही है कि अगले और पिछले जो भी कुछ हुआ उसको माफ़ कर दें और इसमें जो भी कमी कोताही हो, और ख़ास करके हमें और रोज़ पड़ोस टोला मोहल्ला का ख्याल ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें जो है ना अल्लाह ने जैसे माल दिया हो, ज़कात दिया हो, या अपने पास बहुत सारा माल हो, तो उस माल को खर्च करना है। अगर नहीं करते हैं इस महीने में तो फिर हम गुनहगार होंगे और इसके ऊपर हमारे जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे ऊपर पकड़ होगी। तो जो माल जिनके पास है, मालदार हैं, पैसे वाले हैं, मतलब उनका आपका कहना है कि उसमें से जो बनता है निकालना होता है या देना होता है, तो वो सारा चीज़ निकाले और उन लोगों तक पहुँचाए जिनके पास कुछ अभी नहीं है, ताकि वो भी एक तरह से
इस रमज़ान महीने का खुशियाँ को अपने अंदर ले सके और जो आने वाला जो ईद है उस ईद में अपना खुशियाँ ला सके। देखिए माशाल्लाह जो है ना बच्चे जो है मदरसे में बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। आज हम लोग कहते हैं किसी भी धर्म में हो, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब में अपने अपने त्यौहार से किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये कुरान की तालीम ऐसी है कि माशाल्लाह हमारे देश में बहुत सारे पंडित, बहुत सारे वेद के जानकार लोग जो है ना कुरान के बारे में जानते हैं कि कुरान में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो ये कुरान शरीफ जो है ना वो किताब है कि बच्चे जो है छोटी सी उम्र में जो है बड़ी मेहनत से याद करते हैं। हालांकि किसी भी चीज़ को हम आप जान सकते हैं कि दिमाग में बैठाना ये बहुत बड़ी बात है। और एक छोटा सा बच्चा जो है माशाल्लाह कुरान शरीफ को 30 पारे को अपने जहन में रख कर और फिर उसके बाद पूरी 20 रिकात जो है ना तरावी होती है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ी है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनके ज़माने में इसको और ईजाद किया गया कि नहीं पूरी 20 रिकात हो। तो पूरी 20 रिकात में जो है ना कुरान पाक जो है ना एक पारा, डेढ़ पारा, दो पारा, जहाँ जैसा ये हो पढ़ने का ये है लोगों का कि भाई हम 10 दिन में हो, 15 दिन में हो या एक महीने का पूरा चले, तो उसमें जो है माशाल्लाह तरावी ख़त्म करते हैं। तो यानी यही है कि मदरसे में जाकर जो है ना बच्चे तालीम हासिल करते हैं बड़ी मेहनत से, जो है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं, बड़ी मेहनत से याद करते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है दस्तारबंदी होता है, यानी उसको ये पगड़ी और ये पोस्ट मिलता है। अच्छा, ये चीज़ जो है तरावी का जहाँ तक बात है कि आपने बताया और पढ़ते हैं कुरान, तो कुरान जो पढ़ते हैं उसी को तरावी कहा जाता है, यही बात ना है। अब दूसरी बात यह है कि जब कुरान को पढ़ा जाता है, आप जैसे बताए ये पारा पारा जो जितना भी उसका एक लिमिट होता है उस लिमिट के अनुसार पढ़ा जाता है डेली का रात में, तो उस कलाम पाक को देख करके पढ़ते हैं या बिना देखे पढ़ते हैं? नहीं, कुरान शरीफ को जो है ना तरावी में देख के नहीं पढ़ सकते हैं और बेगर रोज़े की हालत में भी नहीं पढ़ सकते। यानी बोले तो कुरान शरीफ तरावी सुनाने वाले को चाहिए कि वो रोज़े की ही हालत में रहे दिन में, यानी जो होता है तो मगरिब तो हम लोग का तो होता ही है कि भाई मगरिब खल, मगर यानी गैर रोज़ेदार जो है ना तरावी पढ़ाना मुनासिब भी नहीं है, ये हमारे इस्लाम तो जी। और कुरान शरीफ जो है ना ज़बानी पढ़ा जाता है, पढ़ना ही है, अगर देख के पढ़ते या देख अगर कोई सुन भी रहा है पीछे और अगर लुकमा उकमा दे दे तो उसका भी नहीं माना जाएगा, वो सही नहीं होगा। इसलिए कि कुरान शरीफ जो है ना ज़बानी पढ़ना है, खड़े होकर कुरान शरीफ को ज़बानी पढ़ना है, अल्लाह के सामने खड़े होकर उसमें नहीं देख के पढ़ना है, न पीछे वाले जो है ना बेगर नियत का जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा ये है कि कलाम पाक पढ़ना जिसे तरावी कहा जाता है और बिना देखे, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बिना देखे और उस कलाम पाक को पढ़ना, ये इस पर थोड़ा सा आप देखिए। कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं तो बहुत ये लगता है कि आखिर जो बच्चे जैसे जो हाफिज़ कुरान है, जो दीनी तालीम से आरास्ता है यानी इस लाइन से, तो हम उनसे जानते हैं या जानेंगे कि भाई किस तरह बच्चे मेहनत करके या हाफिज़ कुरान या आलिम दीन जो है यानी हाफिज़ होकर किस तरह कुरान पाक, जबकि कुरान शरीफ में जो है ना एक आयत बहुत सी जगह आती है ना, एक आयत जो है बहुत सी जगह आती है, मगर जो है आप हम समझ सकते हैं कि इसको इतना ज़बरदस्त जहन में बैठाना पड़ता है हाफिज़ कुरान को कि हमको मुशाबहत जो है ना यहाँ से वहाँ ना ले जाए। जैसे हम ही लोग जो होते हैं कभी रास्ते से गए भटक गए, इसी तरह जो है ना कुरान में क्या है कि बहुत सारी आयत जो है ना एक जैसी है, थोड़ी ना थोड़ी मिलती जुलती है। तो हाफिज़ कुरान जो है पढ़ते पढ़ते उधर मगर बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि ऊपर वालों ने इतना ज़बरदस्त जहन दिए हुआ है कि आदमी हाफिज़ कुरान जो है माशाल्लाह अपनी पूरी तरावी 20 रिकात में जो ऐसा महसूस नहीं होता है, अगर होता भी है तो माशाल्लाह पीछे जो हजरात रहते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। बता दें तो ये है बात इस रमज़ान महीने का कि जिस तरह से बताया गया कि रोज़ा रखते हैं, दिन में उपवास रखते हैं, किसी तरह से खाना पीना कुछ भी नहीं, और शाम को इफ्तार होता है, इफ्तार होने के बाद फिर रात में तरावी होती है, और तरावी को बिना देखे, कुरान को बिना देखे एक हाफिज़ कुरान उस किताब को पढ़ करके, चाहे वो 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, उस टाइम में करके पढ़ करके और बिना देखे उस कुरान को पढ़ करके सुनाना, ये सारा चीज़ अभी यहाँ के कारी साहब जो हैं बताए, और कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं जो है। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देश के तमाम मुसलमान भाइयों से एक अपील, एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुबारक महीने में आज भी हमारे देश में बहुत सारे घर ऐसे हैं
कि जो बेचारे यूं ही जिंदगी गुजर रही है उनकी, उनके घर में खाने का पीने का, हमारी टोली मोहल्ले में अगर देखेंगे तो बहुत सारे घर ऐसे मिलते हैं कि जिसके घर में जो है ना एक वक्त का सही से खाने का नहीं है। तो हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश ये करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हम सबको खुशी और मसर्रत के साथ इस महीने को गुजारने की तौफीक दे, और ईद का जो है ना ये इखलास और यकीन के साथ और भाईचारगी के साथ जो है हमें ईद मनाने का मौका मिले। और आपके चैनल से यानी देश की ये कह रहे हैं कि आपके पास अल्लाह ने माल दिया हो तो आप बढ़ चढ़ कर जो है ना गरीब गुरबा यतीम इसकी में ज़रूर मदद करें। इसी तरह हमारे इस चैनल में आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज़। मैं मुंशा अंसारी पत्रा